नमस्कार, सीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हमें मनीष ठाकरे साहब के पास जो अमरावती ट्रैफिक के ACP है, पिछले दिनों ट्रैफिक को लेकर बहुत जनता में भी आक्रोश रहा और पुलिस की व्यवस्था पे कई लोगों ने शक उठाया। आखिर क्या इसके पीछे वजह है, किस प्रकार से पूरे अमरावती शहर का ट्रैफिक मैनेज होता है और क्यों आवश्यकता पड़ती है ट्रैफिक मैनेज? पुलिस ने एक पूरा एक विभाग अलग करके, हर चीज़ के लिए पुलिस ने अपने अपने विभाग करके रखे। उसमें ट्रैफिक विभाग है, क्राइम विभाग है, इस प्रकार के अलग अलग विभाग, उसमें क्राइम ट्रैफिक विभाग है जो पूरे अमरावती में नजर रहती है और सबसे पहला के जनता का संपर्क आता है तो ट्रैफिक पुलिस से आता है। बाकी पुलिस से काम पड़े नहीं पड़े, लेकिन ट्रैफिक पुलिस से जनता को हर बार काम पड़ता है। तो जनता के बीच में और ट्रैफिक पुलिस के बीच में क्या सामंजस्य होना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए ताकि लोगों में किसी प्रकार की गलत फहमी ना पड़े कि पुलिस का काम सिर्फ चालान ही बनाना है, क्यों चालान बनाना है, क्यों नहीं बनाना है, ट्रैफिक व्यवस्था वाहतूक नियंत्रण में चालान का कितना महत्व है और बाकी लोगों ने भी किस प्रकार से ट्रैफिक पुलिस के साथ में ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, सारी चीज़ों पर विस्तृत जानकारी आज देंगे हम ACP मनीष ठाकरे साहब। ठाकरे साहब नमस्कार। नमस्कार। आपने ट्रैफिक का चार्ज संभाला, निश्चित रूप में बहुत सारे अनुभव आपको ट्रैफिक को लेकर आए होंगे। उन सब चीज़ों में हमने अभी देखा कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का भाग रहता है वहाँ पर भी पुलिस नियंत्रण नहीं कर पाती है, नियंत्रण नहीं कर पाती, लोगों का अवेयरनेस चाहिए या पुलिस ने ही पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, किस प्रकार की आपकी व्यवस्था रहती है और ये 40 से 45 किलोमीटर की दूरियां आप कितने कर्मचारियों से इसको करते हैं? सबसे बड़ी नमस्कार, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगा। वाहतूक विभाग में जो कार्यरत अधिकारी है वो सिर्फ 5 अधिकारी और 110 कर्मचारी के आसपास है। पूर्व विभाग में 40 और पश्चिम विभाग में 70 कर्मचारी। और अपने से अपन जब सबर स्कूल जो पॉइंट है, ज्ञान माता स्कूल, होली क्रॉस, समर्थक मराठा, गणेश दास राठी, इनके लिए सबर शिफ्ट रहती है और अपन सबसे ज़्यादा शिफ्ट लगाते हैं इरविन चौक, जो मेन मेन चौक है, इरविन चौक, राजकमल चौक और अपना डिपो। पूछना चाहूँगा, ये 110 कर्मचारी में भी शिफ्ट वाइज रहते हैं, एक टाइम पे पूरे 110 कर्मचारी काम नहीं करते? नहीं, 110 कर्मचारी में से तो 20 कर्मचारी ये तो छुट्टी पर रहेंगे, वीकली ऑफ है, बाल संगोपन रजा है, प्रेगनेंसी लीव है, CL है, EL है, ऐसे 25 कर्मचारी तो अपने छुट्टी पर रहते हैं। तो शिफ्ट अलग अलग है, जैसे समझ लो स्कूल की शिफ्ट है तो सवेरे 6 बजे से लेके 9 बजे तक, जब तक बच्चे अंदर जाते हैं तब तक, और जब स्कूल ख़त्म होती है उसके आधे घंटे एक घंटे पहले 11 से 1 बजे, फिर से 4 बजे से लेके 5 बजे तक, ऐसी शिफ्ट है ये स्कूल वाइज। डेपो की शिफ्ट अगर है तो सवेरे 6 बजे से लेके 11 बजे, 11 बजे से लेके 4 बजे तक दोपहर के, और 4 बजे से लेके फिर रात के 2200 बजे तक, ऐसी शिफ्ट है। राजकमल चौक में देखा जाए तो सवेरे 9 बजे से लेके 14 बजे तक, दोपहर के 2 बजे, और 2 बजे से लेकर रात को 21 बजे तक, जब तक सिग्नल शुरू रहते तब तक, तो ऐसे 2 शिफ्ट रहते हैं। कुछ पॉइंट पे और कुछ 2 पार्टियाँ जो 2-2 कर्मचारी रहते हैं कि जहाँ ट्रैफिक जाम होती है वहाँ अपन उनको शिपिंग पार्टी बोलते हैं। जैसा कि अगर गांधी चौक में शिफ्ट है शुरू और जयस्तम चौक में, इसके बीच में अगर कहीं ट्रैफिक जाम होता है तो उसके लिए ऐसे 2-2 कर्मचारी, ऐसे 2 टीम रहती है, तो वो दो कर्मचारी जाके वहाँ पर अपना ट्रैफिक का क्लियर करते थे। और इसमें वो सारी अधिसूचना भी निकली है, अगर उसका पालन नहीं होता है तो उसके बारे में भी उचित कायदेशीर कार्य करते हैं। की जानकारी पब्लिक को कैसे, आप अधिसूचना निकालोगे, प्रेस में भेज दोगे, प्रेस में सारे लोग पढ़े नहीं पढ़े, कैसे आम जनता तक कैसे पहुँच पाते? आम जनता तो आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पे, जिस वक्त अधिसूचना निकली थी तो उसकी कॉपी एक जो PRO रहते हैं जिलाधिकारी ऑफिस में, उनके पास पहुंची जाती है और सब प्रिंट मीडिया को प्रेस नोट देके उसमें अपन दे जाती है। और प्रेस वो अधिसूचना निकालने के लिए कुछ लोग उसके माननीय उच्च न्यायालय में जाते, जैसे व्यापारी संगठन हो गया या जैसा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो गया या जनरल पब्लिक भी होगी, वो अधिसूचना को अपोज करते हैं। उस वक्त उनके जो आक्षेप रहते हैं, ऑब्जेक्शन रहते हैं, उनका सबका एनालिसिस किया जाता है और उस वक्त वो टाइम निकालते हैं, सवेरे 8 बजे से लेके 10 बजे तक या शाम को 4 बजे से लेके 21 बजे तक कि यहाँ पे कोई ये नहीं आएगा। लेकिन इसमें जैसे एम्बुलेंस सेवा होगी या फिर जो PWD का काम है, अत्यावश्यक सेवा होगी, और इसके अलावा जो यानी कि डेवलपिंग वर्क्स है, जैसा चित्रा टॉकीज
चौक वाला जो उड्डयन पुल है, जहाँ रेलवे स्टेशन का उड्डयन पुल का काम है, ऐसे वक्त जो सार्वजनिक बांधकाम खाते से हमको आता है, तो हमको उसके लिए वो अटी कंडीशन डाल के उसमें हमको परमिशन देते हैं। आप बता रहे 110 कर्मचारी, उसमें 20 लोग छुट्टी पर है, कितनी गाड़ियां होंगी अमरावती शहर में जहां तक आपका एरिया है, और कितनी पॉपुलेशन होगी 110 लोग, क्या उसके लिए आपको लगता नहीं कम है? इसके लिए इसमें प्रयास हमारी, हम सीनियर अधिकारी से इसके बारे में बातचीत करती है हरदम, लेकिन उनके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, तो कम से कम यहाँ पे 15 लाख के आसपास के ऊपर जनता है, पॉपुलेशन है, और 15 लाख के आसपास ही टू व्हीलर गाड़ियाँ हैं। 15 लाख टू व्हीलर गाड़ियाँ, हाँ, रजिस्ट्रेशन है, आपका अनुमान है? मेरा अनुमान है, और 1 लाख के पास में आसपास कार, जो फोर व्हीलर से जीप कार। डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं आपके, शहरी क्षेत्र? नहीं, शहरी क्षेत्र की बात कर रहा सिर्फ, और 15,000 से लेकर 20,000 तक ऐटो है जी, इसके अलावा ट्रक वगैरह, ये तो बहुत सारे एनालिसिस है। तो अभी ये हालांकि जो आपने जो पूछा था दिवाली के वक्त जो पैशन था, जो पीरियड था, तो उस वक्त ट्रैफिक के लिए हमने अरेंजमेंट किया था कि जैस्तम चौक से जवाहर गेट, सरोज चौक, शाम चौक, यहाँ पे हमने बैरिकेड लगाए थे, इसीलिए कि पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो जाए, और उसके लिए हमने प्रेस नोट डाला था जी सभी के ग्रुप पे, कुछ प्रिंट मीडिया ने छापी, कुछ किसी ने छापी नहीं, कि उनके लिए सबके लिए भाई नेहरू मैदान पार्किंग की। लेकिन नेहरू मैदान में मैंने जाके देखा तो वहाँ पे पार्किंग की कोई किसी ने गाड़ी लगाया नहीं, सब चाहते फोर व्हीलर तो बारे में लगी रहती वहाँ पे। हाँ, लेकिन मैंने देखा कि फोर व्हीलर भी काफ़ी कम थी, जिस तरह से रोड पे फोर व्हीलर थी, और सभी की इच्छा ऐसी रही थी कि मैं जैस्तम चौक से और वहीं पर जाऊँ, और जो भी नई फोर व्हीलर लिया तो वो तो उसका आनंद लेना ही चाहेंगे। लेकिन हमने जनता से आह्वान किया था कि दिवाली का समय है, दिवाली के समय में सब लोग चाहते हैं कि मैं जैस्तम चौक से लेकर जवाहरगढ़ तक सामान खरीदने के लिए जाऊँ, बराबर वही मार्केट एरिया है, और सब लोगों को चाहते हैं, प्रेशर हार्ट ऑफ सिटी, यानी कि कपड़ा मार्केट वहीं पे है, बर्तन मार्केट वहीं पे है, प्लास्टिक का मार्केट वही है, वहीं शोभाजी जो शो रहता है घर का, कंदील वगैरह जो आकाश दीवा बनाते हैं वो भी सब मटेरियल। इसके अलावा जो दिया रंगोली जो पूजा अर्चा है, तो सब वो गांधी चौक में रहता है, गांधी चौक में, तो ये प्रेशर पॉइंट रहते हैं। तो इस वक्त हमने जो प्रेशर पॉइंट है वो हमने कैलकुलेट किए थे। इसके अलावा हमने क्या किया था कि सुभाष मेडिकल के पास में, जो राजापेट उड्डयन पुल के पास में, वहाँ से हमने फोर व्हीलर जो कार्स है उनको हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ पे बैरिकेडिंग डाल के टू व्हीलर्स और एस टी महामंडल की गाड़ियाँ जान देते थे, क्योंकि एस टी महामंडल की गाड़ियाँ को राजकमल चौक में कुछ पैसेंजर उतरते हैं तो उनको जाना देना पड़ा, लेकिन बाकी के जो भी ट्रक्स है, जो कार्स है, जिनको जाना है, तो सीधा हमने इरविन चौक के तरफ निकाले। तो हमने मैनेजमेंट किया था, और वहाँ पर हर पॉइंट पर हमने दो दो तीन तीन कर्मचारी दिए थे, और हालांकि अभी चित्रा चौक से लेकर जो उड्डयन पुल का काम शुरू है तो वो प्रेशर पॉइंट है, वहाँ पे अतिक्रमण भी हुआ है, तो हमने उसके बारे में मनपा को लेटर दे दिया गया। हम जब भी मनपा ने हमको कर्मचारी मांगे हमने अवेलेबल करके उनको अतिक्रमण निकालने के लिए दे दिया है। वैसे ही राजकमल चौक से गांधी चौक तक भी जो अपन ने जाते हैं तो बहुत सारे अतिक्रमण आजू बाजू से हो चुका है, और उसके आगे अगर हॉकर्स लगते हैं, और हॉकर्स के लिए भी मनपा को हमने लेटर दे दिया, लेकिन उसमें भी केंद्र शासन की एक योजना है कि उनको भी जगह देना चाहिए, तो उसके बारे में हमने बहुत सारी मीटिंग मनपा आयुक्तों के साथ में ले ली है, वो उसके ऊपर जल्दी इलेक्शन हो जाएगा उसमें, तो उसके बाद में नो हॉकर जोन और हॉकर जोन डिक्लेयर हो जाएंगे, वो प्रोसेस चल रही है। तो उसमें अगर आउटपुट मिल गया, हमको रिजल्ट मिल गया उसमें, तो अगर हॉकर जोन हो गए तो हमारा काफ़ी ट्रैफिक जो है वो नियंत्रण में आता है। तो दीपावली के दिन में ऐसे कोई बहुत सारी ट्रैफिक के बारे में घटना नहीं हुई, लेकिन हर आदमी दीपावली के दो दिन पहले खरीदी करने के लिए मार्केट में जाता है, और हर टू व्हीलर वहाँ पे आती है। बाकी के दिन अगर दिवाली होने के बाद में या अलग महीने में अपन जाएंगे तो वहाँ पे इतनी ट्रैफिक रहती है कि सब हर आदमी वहाँ पे आता नहीं है, लेकिन अमरावती का हर आदमी राजकमल चौक, गांधी चौक, जैस्तम चौक और जवाहर गेट जाना चाहता है दीपावली के दिन, इसलिए हमने उस वक्त ट्रैफिक थी बिल्कुल एक्चुअली हमारा, लेकिन हमने उसमें हमारे लॉट ऑफ एफर्ट्स, यानी कि हमारे दिल से हमने इतने एफर्ट्स किए उसमें कि कहीं कोई घटना नहीं घड़ी। हमने मैनुअली किए, हमने सिग्नल के ऊपर डिपेंड रहते हुए, जैसे साइड से समझ लो रेलवे स्टेशन से जो आ रहा है तो उसके लिए 15 सेकंड, बाकी जो इधर से शाम चौक से जाने वाला राजकमल चौक के लिए जाने उनके लिए 1 मिनट, हमने अपने मन से वो वहाँ पर मैनुअली किए, और काफ़ी अच्छे हद तक हम उसमें सक्सेसफुल रहे। ट्रैफिक के पॉइंट कम से कम 64 पॉइंट्स है जहाँ पे सिग्नल्स है, लेकिन हर पॉइंट पे अपन
कर्मचारी दे नहीं सकते दे सकते हैं। आपके जो अभी आपका जुरिडिक्शन है पूरा अमरावती शहर एसीबी के नाते आपके 64 पॉइंट है जहाँ पे कर्मचारी रहना चाहिए और आपके पास में 110 की है स्ट्रेंथ है, 110 की ट्रेंथ है, तो इसके लिए वो लगते नहीं, लेकिन हम टाइम बाय टाइम उसमें रोटेशन के मुताबिक लगाते हैं। आज समझ लो नवादा चौक निकल आता अल्टरनेट डेज के बाद में एक तीन दिन का दस्तूर नगर लगा देंगे, बाद में ट्रैफिक पूर्व पिया साहब कभी शेगांव कठोर नाका लगाने वहाँ से अगर बियानी चौक लगाते थे तो एक पॉइंट अगर कम कर दिया। कुछ फिक्स है यहाँ रखने पड़ते हैं, राजकमल जवाहर गेट डेपो पंचवटी इरविन चौक यहाँ पे हमको रखने कंपलसरी रखने पड़ता है। ऐसे कंपलसरी पॉइंट कितने हैं? ऐसे 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट। हाँ। और आपकी ट्रैफिक में क्या प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पहला ये काम पहला करना चाहिए बाकी काम से करनी है? सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी है रहती है कि ट्रैफिक सुरक्षित शुरू रहे सुव्यवस्थित, और दूसरा काम है कि अगर ट्रैफिक वायोलेशन होता है तो इसके लिए हमने प्रोग्राम भी लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, अगर जनता अगर ट्रैफिक के रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस के ऊपर का जो लोड है, ट्रैफिक पुलिस नहीं चाहते किसी का हरासमेंट हो जाए, किसी को बेवजह हरासमेंट कर रहे, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट रहती है अगर ऐसा कोई बेवजह से कोई चालान हो जाता है तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हैं, वो अपने https जो mahapolicechalan.com जो है उस पर डाल के अपने ग्रीवेंस डाल दिया। कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती कि एक आधा नंबर गलत हो जाता, क्योंकि एज वाले जमदार रहते या जिनको आँखों से ज़रा नज़र कमज़ोर हो गई और उसमें 7 के जगह 8 हो गया, तो ऐसे ग्रीवेंस भी आए और गलती से किसी का हमारे हम गलती अपोलोज भी कर लेते हैं और हम सही जगह पे चालान भी भर देते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम भी किए, स्कूल को जा जा के हमने एक बात पूछी थी सर, आप लोग चालान बना देते हो, अब वहाँ बहस करके कोई मतलब होता नहीं, चालान तो एक बार फट गए, कई बार होता है कि गलत चालान भी शायद फट जाते होंगे किसी कारण से, बोलो उसने नई रूल जोड़ा होगा फिर भी वह पुलिस ने रोक लिया चालान कर ले, तो ऐसे में अपील को उसके पास कोई जगह होती है कि चालान वापस की रिवर्स होती है कि आपको भरना ही पड़ता है? नहीं नहीं, बिल्कुल रिवर्स होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पास में ग्रीवेंस आते हैं या कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसमें सत्यता पड़ताल नहीं करते। कुछ लोग बोलते कि मेरे गाड़ी का एक चक्का सफ़ेद इसके ऊपर बाहर था, अच्छा तो फिर हम बोलते कि नहीं, जो सफ़ेद पट्टे हैं जो महानगर पालिका ने मारे उसके अंदर आपने पार्क करना चाहिए था, और कुछ अगर सही में अगर वो ग्रीवेंस में उसमें सत्यता है तो हम रिवाइज करते हुए उसको चालान जाएंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में हैं कि जिसमें अगर समझ लो किसी का एक जो ये रहता है एफ का ई का ई का नीचे का वो रेडियम का ई का छोटा गिर जाता है उसमें एफ आ जाता है तो अपन एफ का चालान किसी और को चले जाता है, वो हमारे पास में ग्रीवेंस डालता है कि सर ये हमारी गलती नहीं है, ये मेरी तो टू व्हीलर है और आपने तो जो फोटो निकाला वो फोर व्हीलर का है, तो हम उसमें फिर वो और उसमें एनालिसिस करते कि इसमें कौन सा नंबर होगा, फिर वो देखने के बाद में हमको आ जाता है कि गाड़ी फोर व्हीलर है और इसमें से ई उसका गिर गया था, तो हम वो चालान उसका रिवाइज कर लेते हैं और जो संबंधित वाले ने जो वायोलेशन किया उसको चले जाता है। इसमें होता है कोई ऐसे चालान उसको नहीं पड़ा आपने नहीं किया तो क्या उसके पास कोर्ट में जाने की भी प्रोविजन? यस प्रोविजन है, कर सकता है। यस यस, अगर उसको नहीं है सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि उसको लगता है मेरी गलती नहीं है वायोलेशन का ये नहीं है तो हम उनको अगर उनके ग्रीवेंस आ गए हमारे पास में कंप्लेंट आ गई हम कोर्ट में उसको भेज देते हैं। अभी तक बहुत सारे केसेस हमने कोर्ट में भेज दिया है और लोक अदालत में जब नोटिस इशू होती है तो लोक अदालत में जाके वो अपनी बात कर सकता है या फिर कोर्ट में भी अपनी बात बोल सकता है कि भाई ये मेरी गलती नहीं है बोल के। सर चालान और ट्रैफिक नियंत्रण प्रायोरिटी किसको, क्योंकि हमने देखा साहब कि बहुत 8-8, 10-10 लोग चालान के लिए बहुत जगह खड़े रहते हैं, राजापेट पुलिस स्टेशन का आपने बताया कि क्यों खड़े रहते, पहले आपने बताया पुलिस स्टेशन के पास ही क्यों खड़े रहते, राजापेट हो गया सिटी कोतवाली हो गया या आपके ट्रैफिक के सामने हो गया, 7-7, 8-8 लोग कई बार खड़े रहते, कई बार हमने देखा साथ ही, तो कितने लोगों की संख्या रहती है वहाँ पे और ज़्यादा हुई तो लोगों ने एक शिकायत करनी चाहिए क्या उसकी? नहीं हमारे पास में तो 7-8 लोग तो नहीं रह सकते हैं क्योंकि वो ड्यूटी इसमें आती नहीं है, 7 लोग तो मिलेंगे नहीं एक ही पॉइंट पे। हाँ कम से कम 2 पार्टियाँ जो स्वीपिंग पार्टी है, अगर 2 पार्टियाँ एक साथ में अगर आ गई है या विशेष मुहिम रहती है जिस दिन कि आज अपने को ट्रिपल सीट और विशेष मुहिम चलाते हैं अपन महीने में 8-10 दिन विशेष मुहिम चलाते हैं खास करके ट्रिपल सीट का और पोल्यूशन के आसपास लगाते इसीलिए कि अगर वो सेक्शन 207 के मुताबिक हमको लगता है कि गाड़ी सस्पिशियस है और डिटेन करना है तो हम 207 के मुताबिक वो गाड़ी डिटेन करते हैं और उसके वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट भी करता है कि ट्रिपल सीट। इस बार 1,00,000 केसेस अपन ने टोटल इस पर किया है। हमारा प्रायोरिटी है वाहतुक सुरक्षित चले, जनता सुरक्षित चले, नियम फॉलो करें,
ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। चालान करना हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो ज़्यादा ही ट्रैफिक को अड़थड़ा आ रहा है, हमारी प्रायोरिटी सुव्यवस्था करने का है, और उसमें अगर किसी के अड़थड़ा आ रहा ट्रैफिक को तो उसी के ऊपर हम चालान करते हैं। ऐसा ट्रिपल सीट में अभी 1 लाख इस साल में अपने 1 लाख चालान हुए, सबसे ज़्यादा चालान हो गए टू व्हीलर पे। विशेष मुहिम रहती है ट्रिपल सीट की, लेकिन हमने देखा कि सर पुलिस वाला रैंडमली 5वीं गाड़ी पकड़नी है 10वीं गाड़ी पकड़नी है 12वीं गाड़ी पकड़नी है, वो गाड़ी पकड़ लेते हैं और कुछ नहीं, नॉर्मल चलते रहता, उसके भी फिर चालान बन जाते, नई चालान बनी बाद में हेलमेट की चालान उसको दे देते, नहीं ये कहाँ तक उचित है? नहीं ये तो हमने हमारे सभी कर्मचारी को, आपने अभी प्रेस नोट दिया उसमें 10,000 हेलमेट की चालान, हेलमेट की चालान तो सिर्फ ऐसी दी है जिसको पकड़ लिया कुछ नहीं हुआ तो हेलमेट की चालान नहीं, 10,000 तो चालान हेलमेट के ही नहीं है, 1440 हेलमेट की चालान है, वो भी आउटर साइड वाली है, जैसा हो गया वलगांव साइड हो गया। हेलमेट की चालान तो 1440 होगा आपके मुताबिक, हेलमेट क्या होगा 2109 है, 2109 अच्छा, 2000 के आसपास, हाँ 2000 के आसपास। तो ये हमको ऐसा लग रहा है गाड़ी पकड़ लिया कुछ ना कुछ बना तो उसको हेलमेट की चालान दे दिए, नहीं हमने तो ये भी मैंने दो सकती है अमरावती में लोगों ने लगाना चाहिए ऐसा अभिप्रीत है, नहीं लगाते तो हमने भी हमारे लोगों को बताया कि जहाँ पे अनऑफिशियल बताया कि हेलमेट के बारे में इतना नहीं है, लेकिन जो रोड्स है बाहर के आउटर आउटकट रोड है, जो आप बोल रहे हैं ना 7-8 लोग जो बाहर खड़े रहते हैं, जैसा समझ लो वलगांव से है या फिर नंदगांव पेट्स के रोड पे है, तो जो सुपर हाईवे अगर यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन जब से मैंने चार्ज लिया हेलमेट की कार्रवाई एकदम मिनिमाइज है, और ये जो हाँ और जो कार्रवाई होंगे, अगर आपको लगता है कि आपने डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर पे भी दिखा दिया, 2 महीने पहले मेरे किसी ने मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे मेरा इंटरव्यू लिया था, उसमें भी बोला कि अगर डिजी लॉकर पे भी आप अगर बताते हैं कि आपका आरसी बुक लाइसेंस बुक और इसके और आपके पास में अगर आप गड़बड़ में है और आपके पास में अभी नहीं है, तो हम आपको बताते कि 15 दिन के अंदर आप सिर्फ उस चालान को रिवाइज भी करते हैं। नहीं, आप इस माध्यम से बताएगा कि अपने जितने डॉक्यूमेंट आप डिजी लॉकर में रख लीजिए, पुलिस के पास आपको सुविधा रहेगी। बिल्कुल ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि हर डॉक्यूमेंट अगर उसको वहाँ का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो आए हुए है वहाँ का, उसको लगता है कि ये गाड़ी कुछ नहीं है और इम्पोर्ट करना चाहिए, तो ये बहुत रेयर परसेंट 0.0001% ही होगा उसको रोकेगा या फिर उसको चालान देगा। और चालान देने के बाद में भी अगर चालान दिया तो उसने 15 दिन के अंदर उसने डॉक्यूमेंट यहाँ आकर फिजिकली बता दिए तो और ग्रेवियंस भी डाल दिया और उसने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो वो ग्रेवियंस मान्य करके उसका चालान रद्द हो जाएगा 100%। यानी साथ में कैरी नहीं है इसलिए चालान नहीं होता। हाँ, आपने बाद में भी बता दिया तो उसका चालान रिवर्स चालान तो उस टाइम पे हो जाएगा। आप ये जनता को बताना चाहेंगे यदि आपका चालान हो जाता है बिना डॉक्यूमेंट के, यदि आप बाद में चालान ला के दे देते हैं समय लिमिट के अंदर, तो आपका चालान रद्द हो सकता है। बिल्कुल रद्द हो सकता है, आपका संतुष्टि होगी तो। और पिछले साल जो 91% आज हमारी प्रायोरिटी, जैसा पहला टाइम मैंने बताया कि भाई ट्रैफिक को सुनियंत्रित चलना चाहिए, और दूसरा ये बोलना था मुझे कि हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि मिनिमम एक्सीडेंट, जो मिनिमम एक्सीडेंट होना चाहिए हमारी सेकंड प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लिए, हर स्कूल में जाके हमारे पास में हमने बड़े बड़े उसमें कभी कभी प्रेस नोट में भी डाले कि हमने ये स्कूल में ज्ञान माता स्कूल में होली क्रॉस सभी, यानी कि 90% हमने स्कूल कवर कर लिए, और उसमें शालेय शिक्षण समिति वाहतुक समिति भी है, पर उनको सहायता से उनको बच्चों को पढ़ाया कि भाई ये क्योंकि अवेयरनेस इज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अवेयरनेस अगर जनता में आ गया रेड सिग्नल का हो गया तो हमारा वर्कलोड भी कम हो जाएगा, हमें ज़्यादा कम रिसोर्स में भी हम काम कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी मैंने बताया कि आपको हेलमेट की चालान बनाई हुई, वैसे सीट बेल्ट की भी चालान आप लोगों ने बनाई, क्या सीट बेल्ट भी कंपलसरी है? सीट बेल्ट तो कंपलसरी ऐसा है कि सीट बेल्ट की चालान हमने बनाई है, इसमें मैं बोलता हूँ कि सीट बेल्ट की चालान बनाई है। सीट बेल्ट ये लगाने के लिए बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे अपघात जो ये हुए हैं कि बिना सीट बेल्ट के वजह से उसके इसके लिए, क्योंकि बिना सीट बेल्ट अगर सीट बेल्ट रहा तो जो कैजुअलिटी रेट है वो एकदम 90% पे कम आ जाता है, और यानी कि वो सेफ साइड रहता है। अगर वो अगर लोग पुलिस के डर से नहीं लगाए, खुद की सुरक्षा है, जैसे हेलमेट लोग पुलिस के डर से लगाते हैं सुरक्षा, सादा प्लास्टिक का कैप भी लगा लिया तो उसको हेलमेट मान लेते हैं आप लोग भी। हाँ। हेलमेट की भी कोई है कि नहीं? नहीं, वो आयसा मार्क एक हेलमेट आता है, आयसा मार्क जिसके ऊपर आयसा लिखा रहता है, वो हेलमेट अगर पहनते हैं लोग तो उसके लिए सुरक्षा होगी और उसका अगर सबसे ज़्यादा तो
कैजुअलिटी उसके वजह से हो गई है कि अगर ब्रेन को कुछ हो जाता है तो सबसे ज़्यादा बाकी सारी चीज़। अभी पिछले बार 91 अपनी कैजुअलिटी थी और इस बार अपनी 64 कैजुअलिटी, तो हमने मिनिमाइज़ कर लिया, कम से कम 11% के आसपास है। तो हम चाहते हैं कि किसी का मृत्यु अपघात में न हो जाए। हाँ हाँ, और क्या है कि यस, और कुछ जो है जो आपने बताया कि वो ट्रक्स आते हैं तो उनके लिए छूट है ही, तो वो छूट देना ही पड़ेगा क्योंकि अपने पास में डेवलपिंग वर्क्स है। तो एसेंशियल कोई समय कोई पहले था कि इधर में ट्रक नहीं आना, ये नहीं, अभी है क्या सब? नहीं, वही अधिसूचना, अंतिम अधिसूचना उस वक्त जारी थी कि सवेरे 8 बजे से लेकर 10 बजे तक गिट्टी बोल्डर के ट्रक नहीं आना चाहिए। और उसमें भी लिखा है सेकंड थर्ड पेज पे कि जिस दिन रविवार है और शासकीय छुट्टी है, खास करके ये जो अधिसूचना बनाई गई थी वो स्कूल को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई थी। यानी आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी स्कूल के बच्चों को सुरक्षित रूप से अपने ट्रैफिक के, क्योंकि आपने जो अभी पॉइंट्स बताए सारे स्कूलों के पास में थे, पहली प्रायोरिटी थी जिसमें आपको प्रायोरिटी भेजा पहली कि स्कूल के बच्चे सुरक्षित अपने घर पे पहुंचे और उनको कोई ये नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपके आपके चर्चा से ये निकला कि स्कूल ज़्यादा स्कूल बस डेपो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इसके लिए हमने RTO सर गीते साहब से लेके हमने बहुत सारी स्कूल वैन बसों की मीटिंग ली है, रास्ता सुरक्षा समिति की मीटिंग ली, जो रास्ता सुरक्षा सप्ताह रहता है उस वक्त हमने उनको वहाँ बुलाया, उनका वैन्स का क्या फिटनेस सर्टिफिकेट, RTO के जो अधिकारी थे उन्होंने फिटनेस सर्टिफिकेट, क्या लिमिट है, क्या रखना चाहिए, एक्सटिंग्विशर रखना चाहिए, अगर बड़ी वैन है, बड़ा स्कूल बस है तो उसमें लेडीज़ केयर टेकर, अगर उसमें नॉर्म्स है सर, पूरा फायर का भी होना है, आप कल नहीं फायर एक्सटिंग्विशर भी रखते उसमें, लेकिन आप चार अंक आधी गाड़ी में नहीं रहता है सर उसमें स्कूल बस, तो वो RTO अधिकारी जो हमने RTO अधिकारी को हम मदद करते हैं अगर वो अगर सस्पेंड करना चाहते हैं। और इस बार तो हमने ट्रिपल सीट के कम से कम 40 जिनके ऊपर वायोलेशन के 2-2 केसेस है, तो जो लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए 3 माह के लिए इनका लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए हमने प्रपोजल भी डाला, 12,000 ट्रिपल सीट की चैलेंज किया आपने। हाँ, एक और इसमें सर थोड़ा सा एक डाउट वाला काम, भरधाव वेगा ने वाहन चालू ना रहे 9,342 अमरावती शहर में, कहाँ भरधाव वेगा से जो नहीं, हमारे पास में एक इंटर जो गवर्नमेंट ने हमारे पास में इंटरसेप्टर व्हीकल दिए, एक व्हीकल दिया है हाईवे सेफ्टी के लिए, उनके इसमें इंक्लूड नहीं है, अपने ट्रैफिक विभाग को दिया है, ट्रैफिक विभाग के पास में, वैसे RTO के पास में भी है वो, ये सारे चालान जो है आंकड़े ट्रैफिक विभाग ने किए, ट्रैफिक के है ये कारण, यस, लेकिन ये जो है अपने पास में जो बाईपास जा रहे हैं या सुपर हाईवे जा रहा, जो जहाँ पे PWD ने आउटर साइड पे जहाँ पे PWD ने बोर्ड लगा है कि स्पीड लिमिट का, स्पीड लिमिट से चलनी चाहिए, ये तो PWD और RTO डिपार्टमेंट उसका एंगल यानी कि मूवमेंट ऑफ नहीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख के कि वो रोड पे उसकी स्टैंड क्या है, और तो वो देख के वो डिसाइड करते कि इसके ऊपर कितनी स्पीड लिमिट रहना चाहिए, और स्पीड लिमिट रहने के बाद में वो बोर्ड रहने के बाद में हमारा इंटरसेप्टर वाहन वो रोड पे खड़ा रहता है, कई आर्गुमेंट नहीं होता है और उसका फोटो कैच हो जाता है और उसकी स्पीड लिमिट कैच हो जाती है और उसका वो चालान उनके ओनर्स को जनरेट हो जाता है, यानी वो चालान ऑटोमेटिक किसी को सामने लेके आपने चालान नहीं दिया होगा। नहीं नहीं, ये ऐसा सामने नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि कम से कम गाड़ी रोकी जाए जी, और हमारा तो पहला प्रायोरिटी तो ट्रैफिक सुनियस्थित होना चाहिए, दूसरा है कि एक्सीडेंट कम होना चाहिए, और तीसरी बात है कि उसको जो गड़बड़ में है जो घाई में है तो सिर्फ उसको मैसेज मिले कि भाई अपन ने ये ट्रैफिक का वायोलेशन किया है, ये अपने के लिए यह है बोल के। और इसमें सर बहुत कम जो सबसे कम चालान दिख रही दारू पी के गाड़ी चलाने के चालान, इसमें हमारे पास में जितने इंस्ट्रूमेंट है तो हमने 94, तो इसकी कोई मुहिम चलती है कि चलते रहते समझ में आता नहीं है? हम लोगों को रोकना नहीं चाहते हैं, लेकिन जैसा कि कुछ त्यौहार आते हैं जैसा कि कर है 31 दिसंबर है, होली का सन है, तो उसके 1-2 दिन पहले हम ऐसे इसकी मुहिम ये करते हैं। इसके लिए विशेष कोई गाड़ी रोकी नहीं मिला दारू पिया हो तो उसके चालान बना, तो ऐसा नहीं है। नहीं, नहीं। वो रूटीन ये कोई स्पेशल त्यौहार के टाइम पे रोज ही आया कि जिस दिन मेरे की चालान रहे तो रोज के 100-200 चालान बन जाए रोज ही। लेकिन उसमें भी फिर अगर इसके लिए अगर फिर आदमी अपने को फिर पॉइंट विड्रॉल करना पड़ेगा जी, फिर वो उसके लिए व्यवस्था लगाना पड़ेगा। और सर सारे चालान में जैसे आपने बताया कि 2-4 लोग से ज़्यादा कहीं भी एक जगह दिखाई नहीं देते, जनता ने आपसे कब शिकायत करनी चाहिए कि पुलिस वाले यहाँ गलत करें, कोई शिकायत कैसी प्रोविजन है? जैसे आपने बताया कि कोई लोग रहने लेकिन कई जगह में 4-4 5-5 6-6 7-7 8-8 लोग रहते हैं,
तो जनता के पास में भी कोई ऑप्शन है कि कहीं कोई पुलिस वाला गलत कर रहा है तो आपके पास आके शिकायत करेगा? नहीं, अगर जनता ने अगर चार लोग देखे तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो विशेष मुहिम चल रही है। लेकिन आपके जो जो बोल रहे हैं कि 7-8 लोग अगर दिखते हैं तो आप हमारे पास में शिकायत जरूर कीजिए, हम उसके ऊपर जरूर कार्रवाई करें। 7-8 लोग, आप अगर 4 लोगों के है तो वो विशेष मुहिम है, क्योंकि उसमें ट्रिपल सीट के इसमें वो 2-3 आदमी को रोकना और उसको गाड़ी पकड़ना, तो इसमें बहुत सारे लोग कैसे हैं कि जनता भी चालान अवॉइड करने के लिए कि वो जो आजू बाजू के कटिंग्स है उसमें से फिर भागना शुरू हो जाती है और उसमें अपघात हो सकता है। अवैध वाहतूक जो चलती है सर, बस स्टैंड से चलती है, राजापेट से चलती है, इसमें यहाँ से पंचवटी से, इसमें कोई आपका रोल होता है कि आप जो देखते हैं इसको? नहीं, अगर अवैध प्रवासी जिन्होंने टैक्स भरा है इसको अवैध नहीं बोल सकते। काली पीली ने टैक्स भरा है उसको 9+1 या 7+1 जो भी, उसको अवैध नहीं बोल सकते। अवैध इसको बोल सकते कि प्राइवेट गाड़ी है, मेरी मारुति कार है, मेरा मारुति 800 है और मैं उसमें भर के अगर जा रहे हैं तो उसको अवैध बोलेंगे। इसमें ओवर सीट बोलेंगे, तो जो ओवर सीट है तो उसके बारे में हम चालान करते हैं, जहाँ पे अगर 40 की कैपेसिटी है इसके बाद में भी RTO भी इसके ऊपर लेंगे, लेकिन ट्रैफिक का चालान ये कम इसका रहता, अमाउंट का रहता। अगर RTO ने किया तो उनका चालान अलग रहेगा, उनके पास भी मशीन्स है लेकिन उनका चालान ये रहेगा, क्योंकि उनके पास में सिर्फ स्पेसिफिक वही है। जैसा आपने देखा होगा कि पुलिस स्टेशन भी दारू बंदी की कार्रवाई करती है, दारू पकड़ती है, और वैसे ही एक्साइज विभाग भी पकड़ती है, तो वो तो स्पेशल मास्टर है उसमें। तो RTO कि अगर और अगर उनको लगता है ओवर सीट करके तो वो ओवर सीट का चालान उनका मेरे मुताबिक यानी कि मेरे नॉलेज के मुताबिक उनका चालान ज़्यादा है, और उनके पास में जो मशीन मिली है वो भी हमारे पास ही है, लेकिन हमारे पास में भी वही सेक्शंस है, उनके पास में उससे ज़्यादा सेक्शंस है, और वो लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं, व्हीकल भी इम्पोर्ट कर सकते हैं आपके पास। आप सिर्फ चालान नॉमिनल चालान बना के उसको आपको छोड़ने पड़े, आप डिटेन वगैरह ज़्यादा नहीं कर सकते? यस, डिटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसने टैक्स पे किया है सिर्फ 40 लोगों का, अगर वो 45 भर रहा है उसमें तो उसमें ओवर सीट का आता है, उसमें सेक्शन बदल जाता है, जो उसको अवैध नहीं बोल सकते क्योंकि अपन ने उसको ऑथेंटिक दे दिया है। कुछ क्षेत्र सर ग्रामीण भाग भी आता है, भागपुरी ग्रामीण में आता है, वलगांव ग्रामीण में आता है, नांदगांव ग्रामीण में आता है, बंडेरा का कुछ भाग ग्रामीण में आता है, तो क्या ये सब 110 लोगों की व्यवस्था करती है? वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था वो अलग करती है, वहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं, यहाँ से जब वो ये करते हैं, समझ लो अभी समझ लो इंटरसेप्टर वहाँ नांगवा पेट के सामने है, तो हमारे 2 ट्रैफिक वाले उसमें होंगे, बराबर। वलगा वालों ने अगर ट्रैफिक पूर्व को बताया कि भाई हमारे तरफ भी एक मुहिम रखो, तो हम वो इंटरसेप्टर वाहन वो दरियापुर नाका के तरफ लेके जाते। बडनेरा वाले नहीं बुला सकते क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी हाईवे सेफ्टी पेट्रोल है, वो महामार्ग सुरक्षा पथक जो है लोनी के पास में वो कार्रवाई कर लेती है। सर जनता का और ट्रैफिक का सीधा संपर्क आता है, पुलिस डिपार्टमेंट का यदि कोई पहला विभाग होगा तो सीधा जनता के सीधा डायरेक्ट संपर्क में आप रोज आते हैं, रोज आपको 200-300-400 लोगों से संपर्क पड़ता है, उसमें से 10-20 लोग आपसे उलझ जाते, कहीं नहीं भी उलझते, कहीं समझा दी जाती, ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि भाई ऐसी व्यवस्था करें तो आपको अड़चन नहीं होगी, व्यवस्थित रूप से आप भी घर पहुँचो, क्योंकि आप कहीं रोकते हो जैसे आपने कहा कि नहीं, लेकिन कई बार हमने देखा है कि बिना वजह भी पुलिस वाले रोक लेते हैं, उसके 10-15 मिनट वहाँ पर खराब होते, कोई दवाखाने जाते रहा, क्यों घर से निकलने वाला घूमने निकलने वाले कम रहते, कोई दवाखाने जाते रहता, कहीं कॉलेज जा रहता, किसी को दुकान पे जाना, किसी को ऑफिस जाने, वहाँ उसको 10-15 मिनट लग जाते, कभी कभी झंझट हो जाती है, ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए जनता को क्या संदेश और क्या अवेयरनेस और आपके तरफ से क्या इनको सुविधा दी जाएगी? जितने भी ट्रैफिक के वाहतों के जितने भी नियम हैं, अगर वो मैक्सिमम नियम अगर आप पालन करना चाहते हो और आप जल्दी जाना चाहते हो तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अपघात इसी से होते हैं कि जो ड्यूटी पे जाते होने के लिए टाइम लेट हो रहा है, इसीलिए सिग्नल बंद बाउंस करना, या फिर अगर किसी पुलिस वाले ने रोका भी, उसको शक लगा और वो कोई चेक करना चाहता है, बहुत सारी गाड़ियाँ भी चोरी हो जाती है, हमारे नाकाबंदी ऐप में भी है कि हमें वायरलेस में संदेश मिल जाता है कि आप तुरंत नाकाबंदी लगाओ 4 लोगों की, यहाँ पे चेन स्नैचिंग हो गई या किसी के पैसे ले लिए हैं, तो हम वहाँ पे तुरंत रोकते हैं, तो वो स्पेसिफिक गाड़ी रहती है कि एक 2-व्हीलर, लेकिन सामने वाले कंप्लेंट उनको ये मालूम नहीं रहता वो यामा है ये है, उसके लिए हम रोकते हैं, वो गाड़ी रोकते हैं और चेक करते हैं। लेकिन अगर जनता का हमने उसमें सुविधा भी कर दिया है कि अगर आपको रोकना और आपको चालान भी आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि 15 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस अगर बता दिया तो वो चालान रिवाइज होकर आपका चालान रद्द भी होता है और आपका जो, क्योंकि हमें आपको जनता के सहयोग से ये करना है, अगर जनता ने अपने रूल्स वायोलेशन नहीं करते हैं तो हमारे भी इतनी ये नहीं रहेंगी कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चालान थोप दिया जाए।
आपकी कभी इच्छा रहती कि आज कोई भी चालान नहीं मिले सब व्यवस्थित रह करके कि आप टारगेट दे तो यहाँ से चालान बनाने? नहीं, टारगेट की कोई इसमें नहीं रहता कि भाई ये हमको ये टारगेट कंप्लीट करना है या नहीं करना। अगर कोई ट्रिपल शीट का मिलता ही नहीं हमें तो हम क्यों ट्रिपल शीट का फोटो निकालेंगे? क्योंकि इसमें नाराजी आएगी तूने आज चालान बना के नहीं लाया, तुमने बेच के, ऐसा कहीं ऐसा होता है? हाँ, तो मैंने आज तक तो कभी किसी मेरे अधिकारी को पूछा नहीं कि आज चालान कम क्यों हो गए। चालान कम करने से नहीं है, जितने चालान कम होंगे तो उस दिन मुझे सेटिस्फेक्शन होगा, मुझे लगेंगे कि अपनी वाहतूक अपने अपनी मेरे लोग ज़्यादा अच्छा ट्रैफिक में अवेयरनेस हो गए। लेकिन ऐसा है कि जितने भी अभी सिग्नल बाउंसिंग के सिग्नल जो बाउंस करके गए तो 2500 के आसपास चालान है, तो हर आदमी को टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, इसीलिए वो जल्दी निकलना चाहता है। और इसमें काफ़ी सर से हमारे सीनियर अधिकारी माननीय सीपी साहब भी, सीसीटीवी अगर प्रोजेक्ट आता है तो हमारा आपसे हम बहुत कम खड़े रहेंगे रोड पे, चार लोग देखेंगे नहीं है, वायलेशन होता है तो हमारे पास में डायरेक्ट एक रूम रहेगा, उसमें वायलेशन का हुआ हम उनको सिर्फ बता देंगे और वो भेज देंगे। लेकिन कभी कभी फिजिकली वहाँ उतरना पड़ता है क्योंकि कई ऑफेंस होता है, तो उस वक्त वो नाकाबंदी के इसमें रहता है। एक बार नो पार्किंग की जगह पे अपराधी पार्किंग, नो पार्किंग का बायफर्केशन नहीं है, फिर भी आप नो पार्किंग की गाड़ी उठा के लेके चल जाते हो, कहीं महानगर पालिका ने कुछ पट्टे नहीं लगाए, कहीं थोड़ी सी लाइन से तो हो जाए, इसका क्या इलाज है? क्योंकि कई बार होता है कि जगह नहीं है, ये जो भी ट्रैफिक का आपका ये सर कोई भी अपराध नहीं है इसमें, उसकी लापरवाही, लापरवाही दो प्रकार के, एक तो उसको मालूम है कि मैंने ऐसा चलना चाहिए था, रॉन्ग साइड चले गए लापरवाही, अब उसको सर गाड़ी खड़ी करने को कहीं जगह ही नहीं है, वो दो गाड़ी के बीच में फंसा के गाड़ी रखता है, आपकी गाड़ी उसको उठा के लेके चल जाती है, तो महानगर पालिका का और आपका कहीं सामंजस्य कि भाई कम से कम पट्टे के अंदर पट्टे भी कहीं नहीं लगे हुए रास्तों पर, तो महानगर पालिका का इसके बारे में कहीं जेब्रा क्रॉसिंग नहीं, कुछ नहीं, पूरा सब उजाड़ पड़ा, फिर भी आप गाड़ी उठा लेते हैं, आम आदमी को इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? नहीं, हमने महानगर पालिका से कम इसके बारे में चार लेटर, तो तीन चार लेटर तो मेरे पास में है, और मैं वैयक्तिक महानगर पालिका आयुक्त तो साहब से भी मिला हूँ, उनसे मीटिंग भी किया हो पट्टी के बारे में, जो सफ़ेद पट्टे है वहाँ के चीफ इंजीनियर श्री काजी साहब है उनसे भी दो तीन बार बात कर दिए, नहीं एक खान साहब है ना, हाँ नहीं एक है नहीं है, अभी हमारी 15 दिन पहले PWD के जो अधीक्षक अभियंता है गिरासे मैडम, उनके सामने चर्चा हुई कि हमारे भी ट्रैफिक से है, कि उसी वक्त भी उनको रिमाइंडर कर दिया था कि जो सफ़ेद पट्टे हैं वो ये हो गए, पार्किंग की जगह जहाँ जहाँ महानगर पालिका ने, जैसा जोशी मार्केट है तो उसके नीचे पार्किंग की जगह है, लेकिन जनता ने वो जोशी मार्केट के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो अंदर पार्किंग करना चाहिए, अंदर पार्किंग करना चाहिए, दुकानें लगी है ना वहाँ, हाँ तो अगर वहाँ दुकान लगती है तो वो नगर महानगर पालिका को हमने लेटर भी दिया है उसके बारे में, राजकमल चौक से लेकर गांधी चौक जहाँ पे पार्किंग के लिए आप चाहते कि मेरे को सुविधा हो जाए, क्योंकि हमारे पास में भी तकरार आती है कि गांधी चौक ब्लॉक है, तो हमें हम जब तक 15 मिनट में वो जो टू व्हीलर वाला है उसको ढूंढते रहते वो मिलता नहीं, तो हमारे नो पार्किंग की डिमांड आ जाती है राजापेट से, कोतवाली से, कि गाड़ी जल्दी भेजो, यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है, और आजू बाजू वाले जो दुकानदार है जिसके सामने वो गाड़ी लग जाती है वो भी कॉल करके हमको बोलता है कि मेरे दुकान के सामने, मेरी दुकान के सामने गाड़ियाँ लगाइए, ये टू व्हीलर वाले ने, मेरे कस्टमर नहीं आ रहे, तो उसके वजह से हमें वो गाड़ी हम उठा के लाते हैं, और उसमें जो ये है कि हम नो पार्किंग बोल के नहीं बोल के ये आम रास्ते पे गाड़ी खड़ी कर दिया जो सफ़ेद पट्टे के अंदर रही, तो हमारी गाड़ी अगर उठा भी लिया तो आप उसमें ग्रेमेंस डाल सकते हैं कि सफ़ेद पट्टे के अंदर हमारी गाड़ी खड़ी थी, हम वो रिवाइज कर देते, लेकिन वो सफ़ेद पट्टे के बाहर अगर गाड़ी खड़ती है और आम रोड पर खड़ी है, हमारे जो चालान हुए जितने भी हुए हैं वो आम रोड पर हुए हैं, यानी जो सार्वजनिक रोड है जहाँ पर लोगों को मूवमेंट के लिए आवागमन करने के लिए रोड है, टू व्हीलर के लिए होगा नियम सारा का सारा बराबर, फोर व्हीलर भी कई बार रास्ते में खड़ी रहती है और थ्री व्हीलर का तो पता ही नहीं कितने खड़े रहते हैं, चालान सिर्फ टू है, क्योंकि ट्रैफिक जाम में तो हिस्सेदारी उनकी भी उतनी है जितनी टू व्हीलर वालों की, बात सारे की ट्रैफिक जाम नहीं होना, सारी चीज़ के पीछे ट्रैफिक में अड़थड़ा नहीं होना चाहिए, गाड़ी लाल तो फोर व्हीलर बहुत बार पहले तो भी कई जगह जामर लगे हुए थे कि हमने अभी जामर लगाना बंद, पार्किंग की जगह जो पुल के नीचे अधिकृत नहीं है लेकिन टू व्हीलर और फोर व्हीलर की अलग अलग सारी फोर व्हीलर पार्किंग के लिए लगी रहती, उसमें भी कही आप अलग कर दो, टू व्हीलर की है फोर व्हीलर की है, फोर व्हीलर वाले के लगा के चल जाते और टू व्हीलर वाले थ्री व्हीलर की जगह लगा दिया तो आप गाड़ी उठा के ले जाते हैं वहाँ से। अगर एनालिसिस किया जाए, मैं जब से लिया है तो मेरे मैक्सिमम चालान फोर व्हीलर पे है जी, लेकिन टू व्हीलर की संख्या ज़्यादा है जी, और फोर व्हीलर की संख्या और एक, तो फोर व्हीलर की मेरे मैक्सिमम चालान ये फोर व्हीलर के गाड़ी के ऊपर ही है मेरे पर्सनली जी, कि जिन्होंने आम रास्ते पे वाहन खड़ा कर दिया है तो फोर व्हीलर पे मेरे मैक्सिमम चालान मेरे फोर व्हीलर पे है।
और टू व्हीलर की संख्या ज़्यादा है तो जो पार्टी वहाँ से जाती है दो कर्मचारी उनको दिखते हैं तो वो जरूर चालान मारते हैं। और उसमें भी है कि एक घंटे के बाद में फिर अगर मैं सेकंड मारना जाऊँ 15 मिनट के बाद में तो चालान एक्सेप्ट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। अच्छा। तो गाड़ी वो एक घंटा वहाँ पर। और इसके बारे में हमारी आगे मुहिम चलने वाली है कि जिन जिनकी फोर व्हीलर्स है टू व्हीलर्स है कि जिन्होंने एक तो दंड भर दो या फिर हम कोर्ट में खटला दाखिल कर देंगे। सर आप जनता के ये पढ़ते आपने जैसे बताया कि महानगरपालिका नहीं सुन रही तो कभी ऐसा नहीं है कि भाई आपके कारण ट्रैफिक की अड़चन और महानगरपालिका की चालान करते हुए महानगरपालिका मैं समझा नहीं आप फिर से रिपीट पार्ट जैसे क्या होता है जैसे आपसे बताया आपने भी बोला कि पट्टे लगा दो ताकि लोगों को मालूम पड़े पट्टे नहीं कहीं पीले पट्टे नहीं कहीं सफ़ेद पट्टे नहीं यानी जो निशान होने चाहिए इसके अंदर गाड़ी रही तो नहीं पूरा शहर साफ है कहीं नहीं आप रात में भी अब देखो कि आपको पट्टे दिखेंगे आपने एक दिशा बना ली इसके अंदर होनी चाहिए करके और पट्टे नहीं है महानगरपालिका पिछले 5-7 सालों में तो काम हुआ नहीं है आपके पास भी चालान का पैसा था क्या आप भी उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते कि महानगरपालिका ही करेगी पैसा तो आपके पास आता है चालान का नहीं चालान का पैसा ये नहीं है चालान का पैसा एक वहाँ जाता है सेंट्रल में चले जाता है वो हमारे पास में कोई पैसा हम लेते नहीं है आप वो साइट जो है आप नेट बैंकिंग से या स्वैप कार्ड से भी पैसे भर सकते हैं तो पैसा कि हमारे पास में नहीं आता है वो एक अकाउंट में जमा होता है और उसको हम खर्च नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि जो पट्टे सफ़ेद है धुंधले वाले है और उसके बीच में दिख रही है तो हमारे जो भी चालान होता है ना कहीं आपको एविडेंस पे क्योंकि हमको भी हमारा बचाव करना चाहिए क्योंकि जनता इतनी अवेयर है कि जो कर्तव्य भारतीय राज्य घटना में 51 में लिखे हैं जो कर्तव्य के मुताबिक वो अगर नहीं चलेंगी और उसमें उनका धुंधला हुआ वो पट्टा भी दिख गया तो एविडेंस हम बोल के पकड़ लेते हैं और एविडेंस है तो फोटो एविडेंस है उसमें और वो धुंधला हुआ पट्टा और विथ कार्स ये हम आने के बाद ही वो चालान होता है जहाँ पट्टा नहीं मार रहा है वहाँ पर हमारा चालान ये है। अगर पट्टा अगर बाहर हमारे फोटो में भी नहीं आता है समझ लो अभी हमने ये जो जयस्तम चौक से लेके जवाहर गेट तक की दिवाली का सीज़न था तो इसमें डबल लाइन भी लगती है तो हमने कोई चालान नहीं मारा इसमें ये जनता की सुविधा के लिए था कि भाई जनता जाए और अपना सामान खरीदे वहाँ से उसके लिए कोई चालान नहीं लेकिन अन्य दिन देखेंगे कि अगर डबल लाइन लगती है कहीं पर तो हम डबल लाइन के ऊपर जो गाड़ी बाहर आई जो सिस्टमेटिक गाड़ी नहीं है जो आड़ी तड़ी गाड़ी लगी है तो उसके ऊपर हमारा आदमी जाके चालान मारता है। कभी ऐसा रहेगा कि आज नो चालान दिया सिर्फ ट्रैफिक का नियंत्रण का कोई चालान नहीं बनी कभी ऐसा आया आपके दिमाग में करना? आज तक तो जब से जितने में 7 महीने से चार लिया लेकिन ऐसा तो कोई दिन आया नहीं कि आज चालान बना नहीं है। आप तय कर लो कि आज चालान नहीं बना पूरा ट्रैफिक के नियंत्रण करना ऐसा कभी एक दिन वो भी नहीं दिवाली के ये जो दिन थे जैसे कि दिवाली के 4 दिन पहले जो थे तो इसमें हमारे चालान हमने मिनिमाइज थे क्योंकि एक तो जनता पहले ही जा रही है तो इसमें बहुत लोगों ने सराहना की क्योंकि थोड़ा सा है तो कुछ दुर्लक्ष भी होना चाहिए कि दिवाली के दिन है तो हमारे चालान बहुत कम हुए वो दिन में एज़ कम्पेयर टू अदर दिन में तो उस वक्त हमारा सब ट्रैफिक नियंत्रण करना उसमें ज़्यादा प्रायोरिटी वैसे भी प्रायोरिटी हमारी वैसी रहती है कि ट्रैफिक सुस्थिति चले। 110 में से कितने घंटे चालान के लिए रखते हैं कितने ट्रैफिक नियंत्रण को जो इन्वेस्टिगेशन समझ लो जिनको रैंक ऑफ अबव द हेड कांस्टेबल वो हमने उनके पास में तो ये कम से कम ट्रैफिक पूर्व में होंगे 15 और ट्रैफिक पश्चिम में होंगे 25। अच्छा हाँ 15-25 से चालान के लिए। हाँ बहुत विस्तृत चर्चा ट्रैफिक के बारे में आज ठाकरे साहब से बहुत सारी चीज़ें जो जनता को भी समझने की है आज इनसे खुलकर चर्चा हुई ट्रैफिक क्यों बढ़ाते कहाँ होते कहाँ पुलिस की गलती भी आज खुले मन से एक्सेप्ट की कि यदि गलती करते तो आप निश्चित रूप से उसकी शिकायत करें कि गलत चालान बनी तो चालान रिवर्स करने का भी साहब ने भी यहाँ पे हमको पूरा प्रोविजन बताया कि किसी के साथ में गलत नहीं होगा लेकिन साथ कि जनता भी पूरी तरह इस पर ध्यान देवे ताकि एक नो चालान डे भी यदि सर ने बताया कि यदि किसी भी चालान नहीं बने तो निश्चित रूप से मुझे बहुत संतुष्टि होगी कि आज चलो सारी जनता बहुत अच्छे से आ रही बहुत विस्तृत जानकारी और आपने जनता के साथ में दी निश्चित रूप से इस माध्यम से यदि जनता में अवेयरनेस आता है और आपका लोड कम होता है और चालान हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कम से कम चालान लोगों की बनने का काम पड़े इसीलिए आपसे इतनी सारी चर्चा किया तो इस चालान को रोकने के लिए जनता को भी आगे आना पड़ेगा उनको भी केयर करना पड़ेगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हल क्योंकि रोड उतने ही हैं गाड़ियां बढ़ती जा रही साहब ने बताया कि 15 लाख गाड़ियां अमरावती शहर में मुझे तो आता मतलब पड़ा कि 15 लाख गाड़ियां कितनी होती हैं कि एक जगह 15 लाख गाड़ी खड़ी करते तो मेरे ख्याल से 100-200 एकड़ जमीन भी शायद कम पड़ती इतनी गाड़ियां अमरावती उसमें 1 लाख गाड़ी है
उसमें ट्रक ऑटो का हिसाब नहीं है जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक को अव्यवस्थित करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रैफिक चलते जा रहा है। कहीं पे भी ऐसी शिकायत नहीं है कि 10 से 15 मिनट से ज़्यादा अमरावती का ट्रैफिक जाम हो गया। 5 से 10 मिनट में अभी कहीं से भी मुख्य जो ट्रैफिक के भाग जाम होने के भाग है, राजकमल से तो राजा पेट के नीचे पुल तक, ये पुल के नीचे का भाग मैक्सिमम समझ सकते हैं, और त्योहारों के समय जवान गेट का, बाकी समय ट्रैफिक सब व्यवस्थित चलते रहता है। ये बहुत कम लोगों में ट्रैफिक व्यवस्था है। ठीक है, हमारा भी आक्रोश रहता है कि दिवाली के समय चालान के ऊपर ध्यान न देकर ट्रैफिक नियंत्रण पर ध्यान देना चाहिए। साहब ने बहुत सारी बातें समझी, बहुत सारी बातें जनता को भी समझाई, निश्चित रूप से एक अच्छा हाल और अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में अवेयर ज़्यादा आता है ट्रैफिक के बारे में, सेंसिटाइज हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सेंसिटाइज होते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। जिस दिन वो चालान रहेगा उससे सबसे पार्टी मनाएंगे।